दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर पहुंच चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, सॉल्व करने में देखते हैं मजा आता है कि नहीं। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल थ्योर एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, सेकेंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है। अरे ये तो यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी लग रही है, बताइए आप कौन सी क्वालिटी में मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा रिस्पेक्टिवली। फाइंड एक्स ए एंड एन। अच्छा भैया, थर्ड सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्स ए और एन, मतलब तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। भैया तीनों नहीं दिया हुआ है, तीन वेरिएबल दिए हुए हैं और तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या मजा आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है, हमारा काम ही है भैया जनरल टर्म लिखना। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ई की पावर आर, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म में मतलब आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी टू हमें मिलेगा एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर वन, यानी कि ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए आर इक्वल टू टू पुट करेंगे तो एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। थर्ड फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब, ठीक है। हमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म मिल गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 240, 720, 1080, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, अरे भैया टू तो दिख ही नहीं रहा, टू इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। अब बोलेगा भाई डिवाइड ही क्यों करें हम, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो हमें इजली, देखिए डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ई की वैल्यू हम ये ए को यही साइड रखें, बाकी सबको वो साइड ले जाके, इसमें भी वो साइड ले जाके ई की वैल्यू दोनों में निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा ना, अब बात वापस वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ए की वैल्यू आप निकालते हो, एन सी वन को इधर ले गए, 240 अपन एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, 720 अपन एन सी टू एक्स की पावर एन, जो भी वापस सॉल्व करने के बाद हमें क्या करेंगे, डिवाइड फॉर्म में ही आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टू डिवाइडेड बाय वन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एन सी टू एक्स एन माइनस टू, यार जब भी मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए इक्वल टू 720 अपॉन 240 32 32 32 34 3 72, सही है, ऊपर में ए बचा। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसे मैं एक्सपेंड करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ में आप नहीं आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन इसे जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एन कट जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन वन का फैक्टोरियल, तो वन ही होता है, इनटू एक्स एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन ए इक्वल टू थ्री हो गया। सॉल्व किया मैंने, ये एन और ये एन कट गया, ठीक है, एन माइनस, ठीक है, फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस टू की फैक्टोरियल, टू की फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस वन की फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, और यहाँ ए इक्वल टू थ्री हो गया, ठीक है, ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन की फैक्टोरियल एन माइनस टू की फैक्टोरियल इंटू टू, टू हो जाएगा इंटू एक्स की पावर नेगेटिव वन हो जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एन माइनस वन
एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा ठीक है, तो ए अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 3 टू का फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट जाएगा ए अपॉन एक्स हो गया हमारे पास यहाँ पर, और ये 3 टू जा 6 अपॉन एन माइनस 1 हो गया ठीक है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया है ठीक है, 6 अपॉन ए बाय एक्स 6 अपॉन एन माइनस 1 बन गया ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड करने, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या एन सी 3 3 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। ये बहुत ही इजी, मतलब से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देख कर भी आप समझ सकते थे, बट मैं ऐसे एक बार सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है। तो टी थर्ड हमारे पास क्या था, 1080 बाय 720 था हमारे पास ठीक है। एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए क्यूब एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा ठीक है 0 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये हमारे पास 3/2 बचा। एन सी 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस 3 माइनस एन प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, 3/2 हो गया हमारे पास ठीक है। अब देखिए एक्स एन माइनस एन कट जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, तो ए बाय एक्स, तो यहाँ पर ए बाय एक्स बचा। एन माइनस 2 को मैं खोलूंगा तो एन माइनस 2 एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये एन माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 जो 6 ये कट गया हमारे पास, तो मैं 3 को ये साइड ले जाऊंगा, 3 3 जो 9 हो जाएगा अपॉन 2 एन माइनस 2 इक्वल टू ए बाय एक्स ठीक है। तो ए बाय एक्स का दो दो इक्वेशन हमें मिल गया ठीक है, ए बाय एक्स का दो वैल्यू मिल गया हमें ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, 6 अपॉन एन माइनस 1 6 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल टू 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 एन माइनस 2 हो गया ठीक है। 6 2 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर, एन माइनस 2 9 एन माइनस 1 12 एन माइनस 24 इक्वल टू 9 एन माइनस 9 ट्वेल्व एन माइनस 9 एन 3 एन 24 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 5। तो हमें एन की वैल्यू 5 मिल गया ठीक है, एन की वैल्यू 5 मिल गया। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला में रखते हैं, ए बाय एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 अपॉन एन माइनस 1, तो 6 अपॉन 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू 3/2, मतलब ए बाय एक्स की वैल्यू हमें 3/2 मिली है, तो मतलब ए इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 5 मिल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या था हमारे पास, एक्स प्लस ए की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 की पावर 5 ठीक है। तो हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करते हैं फिर से बता ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या था, हमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म दिया हुआ था ठीक है, ये ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जनरल टर्म मैंने लिखा, सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म मैंने निकाल लिया, फिर मैंने क्या किया, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया ठीक है, और यहाँ पर कमेंट पढ़ने की वजह से मुझे गलती हो गया ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया और फिर मैंने इसे सॉल्व किया, तो ए बाई एक्स की वैल्यू 6 अपॉन एन माइनस 1 आया। फिर मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो ए अपॉन एक्स की वैल्यू ये आई। फिर मैंने ए अपॉन एक्स दोनों की वैल्यू जो आई, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करने से मुझे एन की वैल्यू मिल गई। एन की वैल्यू जब मिल गई तो मैंने किसी में भी पुट कर दिया, मैंने इक्वेशन जो पहला इक्वेशन जो बना था ये वाला, मैंने इसमें पुट किया, एन की वैल्यू 5, मुझे ए बाई एक्स की वैल्यू 3/2 मिली, मतलब ए इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 2 मिल गया, तो मतलब एक्स प्लस ए की पावर एन थी, मतलब 2 प्लस 3 की पावर 5 हो गई ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, आपको वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करते जाना था ठीक है। अब कुछ लोगों को लगे भाई मैंने सॉल्व क्यों किया, एनसीईआरटी में तो सेम दिया हुआ था,
हाँ बात तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया वो तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किया इसलिए आप वीडियो देखने आए कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अगर सभी बच्चे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखकर सॉल्व कर लेते हैं तो आर डी शर्मा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, आर एस अग्रवाल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो बच्चे उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखकर सेम छाप कर एग्जाम में टॉप कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, इसलिए वो देखने आते हैं वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो प्लीज मत देखिए, बट गाली मत दीजिए। सॉरी यार, बहुत ज्यादा मैंने आज बोल दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।